हे गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल. माई सेल्फ डॉक्टर प्रतीक राजेंद्र वानखेड़े, इंटर्न इन स्मीमर मेडिकल कॉलेज गुजरात. सो आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड अबाउट 3 months ऑफ इंटर्नशिप इन माई कॉलेज एंड अबाउट टू अपियर फॉर नीट 2023 विच इज़ गोइंग टू हैपन इन जनवरी. अभी टेंटेटिव डेट्स आ गए हैं. सो लीव ऑल दिस इन टूडेज वीडियो. आई एम गॉन एक्सप्लेन यू हाउ आई क्रैक्ड माई यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बाय जस्ट यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ आई प्रिपेयर्ड यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अभी मुद्दे पर आते हैं तो मैंने एक्चुअली किया क्या टू टॉप माई यूनिवर्सिटी. सो फर्स्ट आई वॉच द मैरो वीडियोज इन डिटेल विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन. एक एक वीडियो क्यों वो पढ़ रहे हैं ना, वो पहले जान के मैंने मैरो के वीडियोज देखे. ठीक है, तो समझ लो ये मेडिसिन सब्जेक्ट है, उसका मैंने वॉल्यूम 2 में शायद तक एंडोक्राइन होगा, तो मैंने उसमें खोला कुशिंग सिंड्रोम. ठीक है, तो एंडोक्राइन के एक टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी में कुशिंग सिंड्रोम. तो अभी कुशिंग सिंड्रोम का वीडियो अगर है 40-50 मिनट्स का, तो वो फटाफट मैंने देख लिया. और मेरा मैरो वीडियोस देखने का तरीका थोड़ा अलग है. आई डायरेक्टली डोंट गो एंड वॉच द वीडियो. फर्स्ट आई गो थ्रू द नोट्स माई सेल्फ. तो वीडियो देखने से पहले ही मैं पहले नोट्स पढ़ लेता हूँ विद इन 15-20 मिनट्स. तो पहले नोट्स से गो थ्रू कर लिया फटाफट 10-15 मिनट में, और उस टाइम पे मुझे आइडिया आ जाता है कि कौन सा टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आया, तो उस जगह पे मैंने स्टार मार्क कर लिया. और जब मैं वीडियो देखूंगा तो उस पॉइंट पे आने पे आई विल बी मोर फोकस्ड, बिकॉज वो टॉपिक मुझे समझ नहीं आया था ना. और वो जब समझ आ जाएगा तो आई विल हैव अ यूफोरिया काइंड ऑफ थिंग कि अरे दिस वॉज द थिंग विच वॉज मिसिंग इन द नोट्स, तो वो तुरंत लिख लेने का वहाँ पर. तो ऐसा आपका रिविजन हो जाएगा, फर्स्ट रिविजन वीडियोज़ देखते देखते. क्योंकि जनरली क्या होता है, हम आराम से चिल मोड में ईयरफोन डाले, वीडियोस देख रहे और एक वीडियो ख़त्म होने के बाद तुरंत दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं, और दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, दिन ख़त्म हो जाता है एंड वी डोंट रिवाइज, और वो सारी मेहनत पानी में. सो व्हाट यू कैन डू इज कि वीडियो देखने से पहले यू शुड जस्ट गो थ्रू द नोट्स, और आपको एक आइडिया आ जाता है. क्योंकि सब प्रिंटेड लिखा हुआ है यार, सादी इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो आपको समझ में आ ही जाता है. एंड देन यू शुड वॉच द वीडियोस. सो फर्स्ट रीड द नोट्स, देन वॉच द वीडियोस. अभी कुशिंग सिंड्रोम आपने पहले नोट्स रीड कर लिए, फिर वीडियो देख लिया, पूरा आइडिया आ गया. अभी तुरंत क्यू बैंक सॉल्व नहीं करना है, आपको एटलीस्ट 10-12 टॉपिक्स अलग अलग वीडियोस आपके ख़त्म हो जाने के बाद यू शुड गो फॉर द वीडियोस. क्योंकि जो कल ही ताज़ा पढ़ा हुआ है उसका क्यू बैंक अगर आप तुरंत आज सॉल्व कर दोगे तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल. यू शुड यूज़ द एसिंक्रोनस मेथड ऑफ सॉल्विंग MCQs. दैट इज़ वो एक्चुअली मेरे को ज़्यादा फायदेमंद लगा कंपेयर टू द सिंक्रोनस, कि वीडियो देखो क्यू बैंक सॉल्व कर लो, वीडियो देखो क्यू बैंक सॉल्व कर लो. तो आपको एक्चुअल जो आप क्या याद नहीं है वो आपको पता नहीं चलेगा. सो यूज़ द एसिंक्रोनस टाइप ऑफ मेथड कि अचानक से 10-12-15 वीडियोस देख लिए, उसके बाद आपको थोड़ा 10-15 डेज के बाद यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन बैंक. तो आप रिकॉल करोगे और वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके माइंड में स्टोर होगी. तो व्हाट यू डिड इज फर्स्ट गो थ्रू द नोट्स योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कवि कहना क्या चाहते हैं आपको, वो समझ गए आप. उसके बाद आपको वीडियो देखना है. वीडियो आप 1.5x 1.8x पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और उसके बाद तुरंत क्यू बैंक सॉल्व नहीं करना है, टेक टाइम, सी एटलीस्ट 10-15 वीडियोस. आफ्टर दैट 5-10 डेज के बाद आप क्यू बैंक अटेम्प्ट करो, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी. सिर्फ वीडियोस देख के नोट्स रीड करके ख़त्म कर देते हैं किस्सा, क्यू बैंक कोई सॉल्व ही नहीं करता है यार, ऐसे कैसे चलेगा. क्यू बैंक इज़ द मेन की, इट इज़ द मेन लर्निंग टूल ऑफ एनी ऐप इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि दैट इज़ द रियल MVP. सबसे MVP वही है क्यू बैंक. वीडियोस तो एक पैसिव टाइप ऑफ लर्निंग है, क्यू बैंक इज़ द एक्टिव थिंग. समझ रहे हो आप, वो ऐसा हो गया कि आप बस रूम में बैठे हैं और कोई गेम खेल रहा है और आप उसको देख के खुश हो रहे हैं. दिस इज़ द वीडियो थिंग. लेकिन अगर आप वो गेम खुद खेलोगे देन यू विल एन्जॉय द रियल थिंग. स्टार्टिंग में क्यू बैंक सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, धीरे धीरे थोड़ा 2-4 हफ्ते 2 महीने आप क्यू बैंक सॉल्व करोगे, उसके बाद आपकी खुद आदत बन जाएगी कि आपने कोई भी प्लेटफॉर्म खोला आप सबसे पहले क्यू बैंक सॉल्व करने जाओगे.
और अगर आपको डर लगता है कि आपका स्कोर कम आएगा, इट्स ओके ना, वो कम तो आ जाएगा, जो रियल एग्ज़ाम है उसमें तो नहीं आएगा एटलीस्ट। तो यू वॉन्ट टू स्कोर इन द रियल नीट पीजी एग्ज़ाम, नॉट टूडे इन दैट क्यू बैंक मॉड्यूल। ट्राई टू गेट दैट आइडिया इन योर माइंड। जो एक्चुअल एग्ज़ाम है 6 महीने बाद 8 महीने बाद, उसमें आपको स्कोर करना है ना। वो क्यू बैंक में भले 50% स्कोर आए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको पता तो चल गया आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आपको नेक्स्ट टाइम आप जब ये क्यू बैंक पे वापस आओ तो आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। सो फॉर दैट थिंग द क्यू बैंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने यूनिवर्सिटी क्रैक कैसे किया, सो वॉट आई यूज टू डू इज आई ट्राइड सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द क्यू बैंक और जो पर्ल्स थे ना वो। सो इफ यू डोंट नो, I have secured the highest marks in third year subject named PSM, Community Medicine जो है उसमें मेरे पूरे university में सबसे highest marks थे, और उसके लिए मुझे certificate भी मिला है। आप मेरे थोड़े पुराने videos में जाके देख सकते हो, 2-3 video पहले डाला हुआ है। सो या और उस time पर मैंने क्या किया था, मैंने मैरो के जो सारे pearls थे वो सारे के सारे मैं पढ़ के गया था university exam के एक दिन पहले। और आप नहीं मानोगे, 120 मार्क का पेपर था, मेरे 102 आए हैं। आई क्रॉस्ड 100 वाला मार्क, एंड दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट इन आवर यूनिवर्सिटी, ऐसा बोलते हैं। सो और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो एटलीस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द मैरो पर्ल्स। सो दैट इज़ द थिंग, यू शुड नो हाउ टू यूज़ द ऐप। ऐप को आप अगर ऐप को कंट्रोल करने लग गए ना, तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। एंड इट्स नॉट सो कि आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रीड करके फिर वीडियो सॉल्व करके फिर क्यू बैंक करोगे फिर सब करोगे तब जाके आपका कुछ सफलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको बस आपने कुशिंग सिंड्रोम टॉपिक पकड़ा तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको सॉल्व आपके हो जाने चाहिए। तो उसमें जो भी टेस्ट दिए हैं वो नहीं समझ में आए, देन रिट्रोग्रेडली यू गो टू द टेस्ट बुक, रीड दैट टॉपिक। और मैं तो बोलता हूँ टेक्स्ट बुक भी मत देखो, सीधा यूट्यूब वीडियो खोलो या फिर गूगल करो और उतना ही टॉपिक पढ़ लो। क्योंकि टेस्ट बुक में क्या है, यहाँ वहाँ की पंचायत बहुत दी होती है और अपने पास इतना टाइम नहीं होता। इवन द एग्जामिनर विच इज़ गोइंग टू क्वेश्चन यू डोंट हैव इतना टाइम। सो दे जस्ट वॉन्ट यू टू नो द इम्पॉर्टेंट थिंग, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल के उसी को पढ़ो, नॉट द एंटायर थिंग। दैट इज़ द रियल फंडा अकॉर्डिंग टू मी। तो ये बस मैंने एक टॉपिक, आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपने अगर यहाँ तक देखा है आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिला हो अबाउट व्हाट एंड हाउ टू गो। तो एट द एंड आई विल जस्ट समराइज फॉर यू। सो इमेजिन यूर सेल्फ टॉपिंग योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड जस्ट बाय डूइंग एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फॉर मी इट वॉज मैरो, सो आई एम टेलिंग यू हाउ टू यूज मैरो। फर्स्ट रीड द नोट्स योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर और द प्रोफेसर वांट यू टू नो थ्रू द नोट्स। उतना पढ़ लेने के बाद देन सेकंड थिंग इज टू वॉच द वीडियो, वॉट एवर मे बी द स्पीड, 1.2x 1.5x, दैट इज़ योर चॉइस। पहले नोट्स रीड करो, देन गो फॉर द वीडियोज, एंड रैंडमली आफ्टर गोइंग थ्रू द 10-15-25 वीडियोज, 10-15 दिन के बाद गो फॉर द क्यू बैंक, नॉट इमीडिएटली प्लीज़। 10-15 दिन के बाद होगी मिस्टेक्स, चलेगा। मैं आपको अगर थोड़े नेक्स्ट वीडियोज में आना, मेरे क्यू बैंक के आपको रिजल्ट बताऊँगा। इट्स लाइक इस 100 में से 33%, 40% ऐसे भी स्कोर है, तो इट्स ओके। बट आई गेट टू नो कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। जिन्होंने सॉल्व ही नहीं किया है उनको तो वो भी नहीं पता ना कि वो लोग कहाँ लैक कर रहे हैं। एटलीस्ट यू नो वेर यू लैक, सो दैट इज़ द रियल टूल विच यू शुड यूज एट डेली। अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, तो आप सिर्फ रोज के 10 MCQ भी सॉल्व करो ना, तो 300 दिन में 3000 MCQ हो जाते हैं। एंड 3000 MCQs मतलब 3000 डिफरेंट टॉपिक्स, 3000 डिफरेंट टॉपिक्स हो, जो नीट पीजी में 200 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये 3000 में से वो 200 आ गए तो आप तो फिर ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला गया, तो तब मेरे को अप्रिशिएशन दे देना थोड़ा। सो दैट इज़ द थिंग, गो फॉर द नोट्स देन वीडियोस, एंड आफ्टर 10-15 दिस द क्यू बैंक। और क्यू बैंक में जो टॉपिक्स, जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं
वो आपकी मर्जी पे, आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, मैं तो बुक मार्क कर देता हूँ एंड नेक्स्ट टाइम कस्टम मॉड्यूल बना के जस्ट बुक मार्क क्वेश्चन का अलग से कस्टम मॉड्यूल बना के उतना सॉल्व कर लो, सिंपल, दैट इज़ द थिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इट विल मीन अ लॉट टू मी. आपका एक लाइक भी मेरे को बहुत खुशी देता है एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच वीडियोज तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन.